हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रानी दास आर्ट। और मैं हूँ चंद्रानी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आज एक क्यूट सा एक हाउस ड्राइंग की है। एक्चुअल में ये मेरी पानी का बॉटल था, तो उसकी जो शेप है उसको मैंने लिया है इसका मेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने कैसे बनाई है, ये आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी। सो देखते रहो, ठीक है। सबसे पहले, एज यू नो, मैं सिलेक्शन टूल की मदद से पूरी की पूरी एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ और एक एक करके उसकी एक बेस कलर दे रही हूँ। जितनी भी यहाँ पे पार्ट्स है सबको हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट पे सिलेक्शन टूल की मदद से, और हर एक के लिए अलग अलग लेयर चूज करेंगे। अगर हो सके, आप लोगों को कंफ्यूजन लगे तो आप लेयर की नाम भी दे सकते हैं या फिर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर, अभी जो स्केच है वो स्केच थोड़ा सा डिटेल था, इसीलिए उस स्केच के ऊपर, जैसे मैंने स्केच बनाया है तो उसके ऊपर अभी डिटेल करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी जो लाइट होगी, मतलब मेरी लेफ्ट साइड से आएगी, तो उस हिसाब से मैं अभी कलर कर रही हूँ। एक्चुअल में ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये इस पेंटिंग में मुझे बहुत सारा टाइम लगा, तो इसीलिए जब मैंने इसकी स्पीड पेंट बनाई थी वीडियो से, इसका स्पीड पेंट बनाया, तो इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड मुझे बढ़ाना पड़ा इसमें। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी रियल टाइम वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से वो अपलोड कर दूँगी रियल टाइम वाला। मुझे एक्चुअल में ये जो रेड पार्ट के नीचे जो है ना, उस पार्ट पे मुझे भी कंफ्यूजन था कि मैं क्या करूँ, उसमें क्या कलर दूँ, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने येलो दे दिया था। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि मैं कौन सी ब्रश मैंने यूज़ की है। एज यू नो, मैंने जनरल ब्रश यूज़ की है, मैंने कोई यहाँ पे टेक्सचर ब्रश यूज़ नहीं की है। अगर टेक्सचर ब्रश लास्ट पे कुछ ऐड की है मैंने, लेकिन वो खुद से बनाया है, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था पिछले वीडियोस पे। तो अभी क्या है, बेसिक सा जो एक स्टेप है बेसिक कलर का, वो मैं दे रही हूँ अभी, और उसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक जो शेड होगा वो दे रही हूँ। ये जब मैं बना रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोगों के पास में जो जो भी शेप है, मतलब चाहे वो एक पानी का बॉटल हो, या फिर एक पेंसिल ले लीजिए, या पेंसिल स्टैंड, या कुछ भी शेप, फोन हो गया, कुछ भी शेप ले लीजिए आप लोग, और उसके ऊपर पेंटिंग बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब उसके ऊपर, उसको बेस करके, उसकी जो शेप है उसको बेस करके आप खुद की कुछ इमेजिनेशन, कुछ रेफरेंस फोटो देख के ना, मतलब एक कॉम्पैक्ट करके कुछ कुछ डिफरेंट सा बनाइए। डिफरेंट सा मतलब क्या, कि टोटल डिफरेंट नहीं, जैसे कि ये आपको नेट पे मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो बॉटल की जो शेप है ये शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये मेरी बॉटल की शेप है जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो इस मतलब इस तरह की पेंटिंग मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो शेप है वो मैंने बॉटल को रेफरेंस करके मैंने दी है। तो इस काइंड ऑफ शेप्स जो भी आपके आसपास में होगा, उन सारी की सारी चीज़ को आप लोग देखो, देख के उससे आप कुछ बनाने की कोशिश करो। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात आप करोगे, तो कलर कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी पेंटिंग उठाओ उसमें से कलर कॉम्बिनेशन आप देख के आप अपने कलर के अपने पेंटिंग में डाल सकते हो। ट्रस्ट मी, ये काम करता है।
मतलब मेरे जैसे बिगिनर के लिए ये बहुत काम करता है। आप जितना करोगे उसके हिसाब से आपका एक नॉलेज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बिगिनर होने के नाते आपका कुछ नॉलेज नहीं आएगा तब। मतलब जैसे कि मुझे होता है, मुझे पता नहीं चलता मैं क्या करूँगी, क्या कलर दूँ, क्या कुछ करूँ, लेकिन अगर इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप देखना कि आपको पता चल जाएगा आपको प्रैक्टिस करना क्या है, आपको ड्राइंग करना क्या है, कलर क्या देना है, कौन सी जगह पे क्या क्या करना है। ठीक है, अभी ऊंट की बारी। ऊंट के ऊपर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर देना है। टेक्सचर कैसे दूंगी कि जो कलर उसकी बेस कलर है उससे थोड़ा सा डार्क कलर, उससे थोड़ा सा डार्क कलर मैंने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में यूज़ की है। ये जो लाइंस मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर मतलब यही वुडन की जो टेक्सचर है यही होगा। और अब भी ब्रांचेस कर रही हूँ और बाकी कुछ मेरी इमेजिनेशन से कुछ मैं जितना जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा टेक्सचर देना चाहिए तो उस काइंड ऑफ टेक्सचर मैंने यहाँ पे दी है। अभी थोड़ी थोड़ी लाइटिंग करने की बारी है, मतलब डिटेल्स पे जाने की बारी है लाइट एंड शेड्स के ऊपर, तो वो मैं कर रही हूँ। सच में बता रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता कि अभी इसके बाद मैं क्या करूँगी। जब मैं बना रही थी तो इसके ऊपर आप मेरी जो आउटपुट है वो कैसे निकलेगा वो मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ ये इतना पता था कि कुछ भी करूँगी ये देखने में अच्छा ही दिखेगा, क्यूट दिखेगा। हाँ आप लोग देख सकते हैं मैं एक डार्कर कलर लेके फिर उसको सिर्फ लाइन कुछ रैंडम सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और उसके बाद एक ब्राइटर कलर लेके उसी लाइंस के ऊपर एक और लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, और उससे क्या हो रहा है वुडन की जो टेक्सचर है उसकी एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है। अभी इस तरह से शेप दे रही हूँ। आप अगर बताओगे, आप अगर पूछोगे कि इस तरह से शेप क्यों दे रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगा मैंने दे दिया। ठीक है,
अभी मैं इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा थोड़ा डार्क कलर यूज कर रही हूँ, जैसे कि कुछ उडन की जो टेक्सचर है उस पर कुछ क्रैक्स वगैरह मैं ऐड कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ डार्क कलर चाहिए तो वो दे रही हूँ। अभी क्या है कि इस हाउस तो मेरा ऑलमोस्ट हो गया, अभी उसकी जो एलिमेंट्स है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उसको मैंने कलर करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ खास नहीं है इसलिए ज़्यादा डिटेल पे मैं नहीं जाऊँगी। अभी मैं ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ ट्री को कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ ट्री को वो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ। सिलेक्शन टूल की मदद से मैं कलर कर रही हूँ, और ये जो ब्रश है ये टेक्सचर ब्रश, मतलब मैंने जनरल ब्रश जो है उसका स्कैटरिंग ऑन करके मैंने टेक्सचर ब्रश बनाया है। अभी यहाँ पे एक पॉट है, पॉट को मैं कलर कर रही हूँ। कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर इस कलर को ही आपको करना है, आपको जितनी जो मन मर्जी हो आप वही कलर आप दे सकते हो, सिर्फ शेडिंग्स थोड़ा अच्छा देना तो जो भी कलर आप दोगे वो अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। और एक बात, लाइटर कलर के पास में आपको डार्कर कलर और डार्कर कलर के पास में आपको लाइटर कलर देनी है, इस हिसाब से अगर कलर करोगे तो आप जो भी कलर दोगे वो अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और आप कुछ सीखने को आपको मिले तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, मैं हर हफ्ते डिजिटल पेंटिंग के ऊपर वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको, और जैसे कि मैंने पानी की बोतल से मैंने ड्राइंग की है, आप कौन सी शेप को लेके ड्राइंग करोगे या की है आपने। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।